कन्वेक्स, शॉर्ट में अगर कन्वेक्स बोलने लेंस बोलेंगे इवन देन इट इज करेक्ट। अभी बेटे अभी क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन नहीं है अभी, तो मैं आपकी क्वेश्चन का इंट्रो बना रहा हूं। क्वेश्चन पूछूंगा तो जवाब देना। इसके ऊपर अगर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट फेंकें, सभी बच्चों को पता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट गेट्स फोकस्ड टू ए सिंगल पॉइंट कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। सभी बच्चों को ये पता है, और साथ में बच्चों को ये भी पता है कि अगर मैंने बाई कॉनकेव लेंस लिया होता, बाई कॉनकेव, तब उस लेंस ने इंसिडेंट पैरेलल बीम को कन्वर्ज करने की बजाय डाइवर्ज कर दिया होता। वर्ज, ओके, कन्वर्ज करने की बजाय डाइवर्ज। यहां पर क्या करा? डाइवर्ज। और यहां पर क्या करा? कन्वर्ज। ये टीचर ने दो तरह के लेंस बनाए। अब मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, सभी के लिए, मेरे को ऐसा पता लगा कि आप जवाब दे सकते हो, लेकिन लेट मी चेक। कौन बच्चा क्लास में यह बता सकता है कौन सा ये वाला लेंस कन्वर्ज करता है तो वाई, और ये वाला लेंस डाइवर्ज करता है तो वाई क्यों करता है? एनीबॉडी, इसका वाई बताना आपको। देखो, बुक्स बुक्स ने लिखा, टीचर ने बताया, आपने मान लिया, लेकिन टीचर पूछ रहा है व्हाई। ये जब इधर ही आते हैं, व्हाई बाई कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज ए पैरलर बीम ऑफ लाइट टू ए पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, व्हाई इट कन्वर्जिस इन द क्लास। नहीं बता सके बेटे, नहीं बता सके। देखो, एक भी बच्चे का हाथ नहीं खड़ा, तो सुनो फिर, सुनो, शाबाश। आप सभी ने लेंस पढ़ने से पहले एक ये आर्टिकल पढ़ा था, प्रिज्म। ध्यान से सुनना बेटे, प्रिज्म आर्टिकल में इस चीज को जो जमीन के साथ टच में है, इसको हम बोलते थे बेस ऑफ प्रिज्म, बेस ऑफ प्रिज्म। और आप सभी को पता है, ध्यान से सुना, जैसे ही इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है और यहां पर हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, तो एज दिस लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रेयरर मीडियम टू डेंसर एंटर करती है, तो ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ झुकती है, तो इट विल बेंड लाइक दिस। गॉट इट? अब यहां पर ये लाइट यहां से डेंसर से रेयरर में जाएगी, नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो यहां पर नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये फिर से अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर शॉर्ट में बताऊं तो टीचर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहां पर हुआ, सेकंड रिफ्रैक्शन यहां पर हुआ, ये बताने की कोशिश कर रहा है टीचर। अब जरा इस प्रिज्म में आ जाओ, इसमें बेसिकली हमने क्या कंक्लूड करा? जो रे ऑफ लाइट प्रिज्म के बेस के पैरलर आ रही थी, वो प्रिज्म के बेस की तरफ झुक गई बाहर निकलते निकलते। अब देख, इधर देखो, अगर मैंने एक कन्वेक्स लेंस लिया तो ये कन्वेक्स लेंस वर्टिकल स्टैक ऑफ प्रिज्म है। देखो, एक प्रिज्म ये पड़ा और एक ये उल्टा करके पड़ा है, और एक प्रिज्म ये भी पड़ा है जिसकी टिप काट दी। मान लो मेरे पास एक प्रिज्म ऐसा हो और ऊपर ऊपर से मैं उसको कट कर दूं ऐसे, तो इस प्रिज्म को उठा के यहां रख दिया, ऐसे ही एक प्रिज्म ये उल्टा करके पड़ा है। गॉट इट?
और एक प्रिज्म ये पड़ा है, और एक प्रिज्म ये पड़ा है। हमने क्या कंक्लूड करा, बाई कन्वेक्स लेंस इज ए वर्टिकल स्टैक ऑफ प्रिज्म। तो अगर मैं रे ऑफ लाइट यहां पर डालूंगा इस प्रिज्म के बेस के पैरेलल, अगर प्रिज्म के बेस के पैरेलल लाइट जाती है तो रिफ्रैक्शन की वजह से किधर को झुकती है, टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो यहां से ऐसे, गॉट इट। इसी तरह से नीचे से अगर मैं रे ऑफ लाइट डालूंगा तो ये प्रिज्म उल्टा पड़ा है, इसका बेस ये है, तो यहां से रिफ्रैक्शन प्रिज्म के बेस की तरफ जाएगी। गॉट इट। सो कॉन्वेक्स लेंस इज ए वर्टिकल स्टैक ऑफ प्रिज्म, और प्रिज्म के बेस के पैरेलल जो लाइट आती है वो प्रिज्म के बेस की तरफ झुक जाती है। इसलिए मल्टीपल प्रिज्म जब इकट्ठे काम करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस लाइट को एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। हैव यू अंडरस्टूड? मुझे राइट हैंड खड़ा करना अगर समझ आया तो। हैव यू अंडरस्टूड? इज द रीजन बिहाइंड। ओके, कोई बच्चा कहता है सर इसका भी बता दो, तो इसका भी देखो। भाई बेटे, भाई कॉनकेव लेंस का, इसका प्रिज्म ऐसे पड़ा है, देखो का प्रिज्म ऐसे पड़ा, उल्टा पड़ा है, तो बेस किधर को हुआ, ये वाला बेस है, तो यहां से जो रे ऑफ लाइट जाएगी प्रिज्म के बेस की तरफ, तो यहां से जो लाइट जाएगी प्रिज्म का बेस कौन सा है, ये वाला बेस की तरफ जाएगी बेटे। तो आपने देखा ये डाइवर्ज करता है और ये कन्वर्ज करता है, ओनली बिकॉज लेंसेज आर कंसिस्टिंग ऑफ बाय वर्टिकल स्टैक ऑफ प्रिजम्स। क्या समझ बेटे, वर्टिकल स्टैक ऑफ प्रिज्म, और ऊपर से बैक एंड पे कौन सी प्रोसेस काम कर रही है, फ्रैक्शन। एक बच्चे ने मेरे से लास्ट बैच में पूछा, सर इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंस हम ऐसे दिखा देते हैं, ध्यान से सुनो, बच्चा कहता है जो लेंस की रे ऑफ लाइट हम यहां ले जाके डायरेक्ट ऐसे दिखा देते हैं वो बेसिकली ऐसे नहीं है, इसका मतलब वो बेसिकली ऐसे जाके फर्स्ट रिफ्रैक्शन ऐसे जाके सेकंड रिफ्रैक्शन ऐसे। सेड यस दिस इज करेक्ट, लेकिन इसी को शॉर्ट में दिखाने के लिए हम ऐसे ही दिखा देते हैं, बस शॉर्ट में। हाँ, अंदर से बेसिकली ऐसे होती है। हैव यू अंडरस्टूड बेटे, राइट हैंड, राइट हैंड, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, अब हम चलेंगे इस आगे लेकर, इस लेंस को आगे लेकर चलेंगे। आप मेरे को बताओ ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है, फर्स्ट या सेकंड? ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है बेटा, ये वाला लेंस। सो ह्यूमन आई में ये वाला लेंस होता है, जब ये लेंस आंख में लगता है तो ऐसा देखते हैं कि इस एडमिट कर देखते हैं कि इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है लेंस की ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा क्लियर होती है। इसका मतलब उस वक्त इस लेंस का नाम होएगा लाइन अल्ट्रा क्लियर लेंस, लाइन अल्ट्रा क्लियर लेंस भी कौन सा, बाई कॉन्वेक्स। ओके, कोई बच्चा बताएगा मेरे को, शाबाश। लेंस लेंस का लेंस के ऊपर एक ये चीज होती है, इसका क्या काम होता है, एनीबॉडी फ्रॉम 8th ए क्लास, व्हाट द फंक्शन ऑफ आयरिस, आयरिस का क्या काम होता है बेटे, नोबडी इज टेलिंग। आयरिस का दो काम समझो, पहला काम क्या होता है बेटे, योर अटेंशन, पहला काम ये होता है, ये जो लेंस होता है ना उसके आई लेंस, उसके यहां पर होता है आयरिस और यहां पर आयरिस। तो जब किसी की आंख देखते हो तो व्हाइट
सेक्टर एक सर्कल दिख, सर्कल सर्कल के अंदर भी एक छोटा सर्कल होता है, तो जो सर्कल होता है बड़े वाला, देखो ये ह्यूमन आई है, ये जो व्हाइट पोर्शन होता है इसको तो बोलते हैं सेक्लेरा, और ये जो अंदर गोल है इसको बोलते हैं आइरिस, और उसके भी अंदर होता है एक, उसको बोलते हैं प्यूपिल। ये जो प्यूपिल होता है ना बेटे, यहां से लाइट आंख के अंदर जाती है। अगर इस प्यूपिल के एरिया को, जहां से लाइट निकलती है, इसके ओपनिंग एरिया को कम या ज्यादा करना है, तो ये जो आइरिस होते हैं साइडों से इसको ढक देते हैं, कभी ज्यादा नेकड कर देते हैं। मान लो सामने से एकदम से ट्रक की हेडलाइट ऑन होगी, तो बहुत ज्यादा लाइट है, मेरी आई बॉल के अंदर ग्लेयर पैदा होगी, चकाचौंध पैदा होगी, मैं लाइट को कम करना चाहता हूं, तो मेरे आइरिस अपने आप इसको ढक देंगे, तो प्यूपिल का वाइड एरिया जो लाइट को था उसको रिड्यूस करके कम ओपनिंग एरिया कर देंगे, कम लाइट जाएगी। और मान लो मेरा 2,000 रुपीज का नोट अंधेरे कमरे में गिर गया, और अंधेरे में थोड़ी थोड़ी डिम लाइट है, तो मैं उसको ढूंढ रहा हूँ कहाँ। क्या मेरी आंख को ज्यादा लाइट चाहिए, तब मेरी आंख प्यूपिल का एरिया कम से ज्यादा कर देंगे, कौन आई, ये आइरिस सारे पीछे पीछे हट जाएंगे, पीछे पीछे हट जाएंगे, ताकि प्यूपिल का ज्यादा एरिया वाइड हो जाए और ज्यादा लाइट अंदर जाए, और मैं अंधेरे कमरे में, डिम लाइट वाले कमरे में भी अपना गिरा हुआ 2,000 का नोट ढूंढ सकूं। तो आइरिस का पहला काम यह है, इट एडजस्ट दी ओपनिंग एरिया ऑफ प्यूपिल, ओपनिंग एरिया ऑफ प्यूपिल किसके लिए, ओपनिंग एरिया, ओपनिंग एरिया टू एंटरिंग लाइट, जो लाइट आंख में जाएगी उसको कितना ओपन एरिया देना है। दूसरा काम क्या है आइरिस का, बताएगा कोई बच्चा, आइरिस का दूसरा काम क्या है? शाबाश, कलर बिल्कुल सही, किस बच्चे को शाबाश देनी चाहिए, दूसरा काम ये आंख का कलर डिसाइड करती है। आंख के काफी सारे कलर हो सकते हैं, लेकिन उनमें से वर्ल्ड की पॉपुलेशन में मेजर 5 कलर्स पाए जाते हैं, और उन 5 कलर प्रोवाइड्स स्पेसिफिक कलर टू द आई, आइरिस। तो वो 5 कलर्स कौन से होते हैं, उनको याद रखने का तरीका है बी जी, बी जी, बी से क्या, ब्लू, और क्या ब्लैक, और क्या ब्राउन। तो याद रखना, बी के ऊपर टीचर ने क्यूब लगाया, मतलब बी से 3, और जी के ऊपर स्क्वायर लगाया, ग्रीन, ग्रीन, और ग्रे, ग्रे, बस। और 5 कलरों के बिना और नहीं लिखना आपने, यही 5 कलर होते हैं, और टीचर ने साथ में मेमोरी टूल बताया, जो टीचर मेमोरी टूल के साथ आपको पढ़ाएगा वो आपको लंबे टाइम तक याद करवाएगा। तो आपने याद करना है ह्यूमन आई कलर्स, बी क्यूब जी स्क्वायर, बी क्यूब जी स्क्वायर, और पेपर तक याद रहेगा फिर, ठीक है बेटे। अब मेरे को कोई बच्चा बताएगा, ह्यूमन आई के अंदर जो व्हाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है आपको, ह्यूमन आई के अंदर जो व्हाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है उसका क्या नाम है? स्क्लेरा। शाबाश, व्हाइट सेक्शन का नाम है स्क्लेरा, लेकिन इसका काम क्या है, व्हाट इज इट्स जॉब, जॉब क्या है इसका? प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स टू एंटर। बेटे डस्ट पार्टिकल तो यहां तक पहुंचते नहीं, वो तो आपका कॉर्निया ही रोक देते हैं ना, ये वाला अच्छा आंसर नहीं है। सुनो बेटे, जो व्हाइट सेक्शन होता है ना स्क्लेरा, दैट कंसिस्ट ऑफ, इस ये किसका बना होता है, ये होता है कनेक्टिव टिश्यूज, कंसिस्ट ऑफ किसका बेटे, कनेक्टिव टिश्यू, बायो की टर्म आ गई, कनेक्टिव टिश्यू। और इस कनेक्टिव टिश्यू में जानते हो क्या खूबी है,
इसके अंदर स्पॉन्जी करेक्टर होता है, ऐसे दबाओ वापिस आता है, ऐसे दबाओ वापिस आता है, इसलिए आंख को ये इंजरी से बचाता है। जैसे उस स्पॉन्ज की बॉल होती है, आप रिसेस में खेलते हो कभी कभी कैच कैच, तो ऐसे बॉल आपने पकड़ी या सिक्वीज करी और छोड़ी और वापिस उसी शेप में आ जाती है। इसीलिए किसी किसी आपके क्लासमेट की फिंगर कभी आपकी आंख में लग जाती है, थोड़ी देर के लिए आंख में प्रॉब्लम होती है 10-12 सेकंड के लिए, उसके बाद आंख ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि सक्लेरा के अंदर स्पॉन्जी करेक्टर होता है, जितना दबाते हैं उतना ही वापिस आ जाता है। सो इट प्रोटेक्ट्स द आई फ्रॉम इंजरीज, प्रोटेक्ट करता है आंख की, बचाव करता है कहां से? इंजरीज से, चोटों से। ओके, ये इसका काम है। इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। भाई जो बातें नहीं है उसको पता नहीं है उसको नोट तो करो। मैं देखा बच्चे ऐसे बैठे हैं, ये मत सोचना बुक्स से मिल जाएंगी, जिन्हें तो बहुत सारी किताबें पढ़ी होती हैं इसलिए पता होता है उसको। तो आप पॉइंट लिख लो, व्हाइट सेक्शन का पॉइंट। अच्छा बेटे, कोई बच्चा मेरे को बताएगा, कोई बच्चा मेरे को बताएगा कि इस ये कहां पर होता है और इसका काम क्या होता है? कॉर्निया का क्या काम होता है और ये कहां पर होता है? इट कवर्स द फ्रंट ऑफ द आई। शाबाश, जो आंख का लेंस है ना, लेंस उसके यहां पर होता है ये कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट होता है, अल्ट्रा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन तो यहीं पर हो जाती है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन। ये आपके आई लेंस को बचाता है, ये बचाता है कि आई लेंस के ऊपर स्क्रैचेस ना पड़ जाएं। ओके, तो कॉर्निया जो है वो आपके आई लेंस तक डस्ट के पार्टिकल को नहीं पहुंचने देता, ये अपने ऊपर ही ले लेता है डस्ट के पार्टिकल। और फिर जब हम आंख को पानी से धोते हैं या हमारी आंख के ऊपर कभी कभी हम रोते हैं तो टीयर्स आते हैं, टीयर्स इसके इसको ऊपर से साफ कर देते हैं। या जब हम आंख की आई लिड्स पलकों को झपकते हैं आई लिड्स को, तो उसके साथ भी इसके ऊपर ब्रूमिंग का काम होता है, जैसे कि झाड़ू लगता हो जैसे पानी डाल के, तो उसी तरह से ये क्लीनलीनेस का काम करता है। कॉर्निया खुद के ऊपर डस्ट पार्टिकल ले लेता है, उनको साफ कर देता है, डस्ट पार्टिकल ले लेता है, उनको साफ कर देता है, और लेंस हमारा सेफ रहता है। इसीलिए जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो आपने देखा होगा, सुबह सुबह उठते हैं तो हमारी आंखों के ऊपर ऐसे कुछ गंदगी सी होती है, उसको हम वॉश करते हैं, वो सारे डस्ट पार्टिकल इकट्ठे हुए होते हैं दिन के। तो आप कहोगे सर जब हम सोते हैं तो फिर वो इकट्ठे कैसे हो जाते हैं? क्योंकि आपको साइंटिफिक प्रोसेस पता होना चाहिए, जब हम सोते हैं तो हमारी जो अंदर की आई बॉल है वो अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है, ऐसे अंदर चेंज करती रहती है, तो आई लिड्स उसके अंदर डस्ट पार्टिकल को एक जगह पर इकट्ठी कर देती है। समझ गए? सो दैट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्निया। कौन बच्चा मेरे को क्लास में बताएगा कि जो रेटिना होता है, रेटिना उसका क्या काम होता है? रेटिना का इमेज इज फॉर्मड इन रेटिना। शाबाश, इस बच्चे को शाबाश देनी पड़ेगी, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी बच्चे ने। हम कहेंगे सर इट एक्ट्स एज द स्क्रीन, मैं बोलूंगा स्क्रीन किसके लिए? जैसे इस बच्चे ने बताया, वो बोलेगा सर लेंस में से जब लाइट निकल के आएगी तो वो इमेज कहां पर क्रिएट होएगा? वो जो दीवार का काम करेगी स्क्रीन, उसी को हम रेटिना बोलते हैं। फर्स्ट सेकेंड पॉइंट, रेटिना के अंदर जो फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, सेंसिटिव, उनका क्या नाम होता है? फोटो सेंसिटिव सेल्स। शाबाश, दो तरह के होते हैं फोटो सेंसिटिव सेल्स, रॉड्स एंड कॉन्स। एंड कॉन्स, रॉड्स एंड कॉन्स। कॉन्स जो होती हैं वो हमें कलर्ड विजन के लिए मदद करती हैं, यस और नो। और रॉड्स जो होती हैं एक पर्टिकुलर शेड में
कितने डिफरेंट एक पर्टिकुलर कलर में जो डिफरेंट शेड्स होते हैं या ब्राइटनेस को जज करने में काम करती हैं। जैसे एक ब्लैक है, एक ग्रे है, एक बिल्कुल जेट ब्लैक है, उनमें डिस्टिंग्विश करने का काम कौन करती है? रॉड्स। और कॉन्स हमें डिफरेंट कलर्स देखने में मदद करती हैं बेटे। और आपको बड़ी हैरानी होगी, चिंपांजी को छोड़कर कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जिसके पास इतनी वेल डेवलप्ड कॉन्स होती हैं जितनी ह्यूमन बीइंग के पास होती हैं। ह्यूमन बीइंग के पास जितनी वेल डेवलप्ड कॉन्स होती हैं उतनी कुदरत ने सिर्फ चिंपांजी को दी और किसी को भी नहीं दी। इसलिए हमारी ह्यूमन आई मोस्ट एडवांस्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। अभी तक कोई भी साइंटिस्ट ऐसा बढ़िया कैमरा नहीं बना सका जो कितने कलर्स में डिस्टिंग्विश कर सके जितने कलर्स में ह्यूमन आई डिस्टिंग्विश कर पाती है। बेस्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एवर मेड इज ह्यूमन आई, याद रखना ये, ओके? और बहुत मैक्सिमम एनिमल्स में कॉर्न्स मिसिंग होती हैं, इसलिए उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है लेकिन ह्यूमन को कलर्ड दिखता है। एक बच्चे ने मेरे को बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था, सर अगर ऐसी बात है जो जो बुल फाइटिंग दिखाते हैं उसको रेड कलर का जब रुमाल दिखाते हैं तो उसको गुस्सा क्यों आ जाता है रेड कलर पे, उसको रेड दिखता है? नो, उसको रेड कलर से इरिटेशन नहीं होती, उसको लटके हुए कपड़े को हिलाने से इरिटेशन होती है। चाहे ब्लैक ले लो चाहे कोई और ले लो तब भी उसको इरिटेशन होती है, गुस्से में आता है, ना कि रेड कलर से, क्योंकि उसकी आंख में तो कॉर्न्स मिसिंग होती हैं बोल के, उसको कलर दिखता ही नहीं। जानवरों को मोनोक्रोम दिखता है, मोनोक्रोम मींस ब्लैक एंड व्हाइट, ओके? शाबाश। और कोई बच्चा मेरे को बताएगा, शाबाश बेटे, इसका क्या काम होता है? ऑप्टिक नर्व connect eye to brain. थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, प्यारे प्यारे बच्चे हैं और आंसर सही है बेटे, लेकिन आपका ना वोकैबुलरी अभी छोटा सा कमजोर है, छोटे हो ना अभी। सुनो, आपको क्या बोलना है कि जो ह्यूमन आई का जो रेटिना होता है, रेटिना को ब्रेन से कनेक्ट करने वाली नाड़ी को, ब्रेन से कनेक्ट करने वाली नाड़ी को बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। इसका काम ये होता है कि रेटिना के ऊपर जो इन्वर्टेड इमेज बना हुआ है, इन्वर्टेड इमेज, उसको ब्रेन तक लेके जाना। कैसे लेके जाएगा ब्रेन तक? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सिस के रूप में। इलेक्ट्रिकल पल्सिस कौन बना के देगा? रॉड्स एंड कॉन्स बना के देंगे। रॉड्स एंड कॉन्स ने इलेक्ट्रिकल पल्सिस बनाई, उसको ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक लेके जाएगी। फिर ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन उस इमेज को अपनी मेमोरी के साथ कंपेयर करेगा। अगर ब्रेन की मेमोरी में वो पहले ही इमेज है तो वो आपको बता देता है कि ये कौन है। अभी आप मेरा फोटो देख रहे हो, मेरा फेस देखते ही आपका इमेज ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक लेके गया मैसेज, और आपके ब्रेन को ये मैसेज आ रहा है कि ये धीरज विशिष्ट सर है जो हमें फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, पहले पढ़ा चुके थे। अगर आप मेरे को फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपका ब्रेन भी आपको नहीं बता पाएगा ये कौन है, ठीक है? सो ऑप्टिक नर्व, अटेंशन, ऑप्टिक नर्व कैरीज द मैसेज ऑफ इन्वर्टेड इमेज टू द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सिस। दीज इलेक्ट्रिकल पल्सिस आर पिक्ड फ्रॉम रॉड्स एंड कॉन्स। गॉट इट? कौन बच्चा मेरे को बताएगा आंख के अंदर कौन सा लिक्विड होता है? आई बॉल के अंदर कौन सा लिक्विड होता है? आई बॉल में कौन सा होता है? हिंट देता हूं, हिंट, वीटी फुल फॉर्म ना, वी सॉरी विट्रस ह्यूमर, आई रिपीट, विट्रस ह्यूमर अंदर होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट। इस लिक्विड के दो काम है, पहला काम, जो आंख की लेंस से लाइट जाएगी
उस लाइट को बिखरने नहीं देता, शार्पली लेके जाता है बेटे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लाइट टॉर्च से निकले तो वो धीरे 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 चौड़ी होती जाती है, फैलती जाती है, लेकिन इसके स्प्रेड को अवॉइड करता है। ये चाहता है कि लाइट अगर शार्प गई है तो रेटिना तक जाते जाते ये बिल्कुल शार्प जाए, वाइड नहीं होनी चाहिए। ये वाइड होगी गलत, ठीक रही। ये काम कौन करेगा? विट्रस ह्यूमर। दूसरा काम इसका क्या है? बाहर से आंख के अंदर प्रेशर पड़ता है, प्रेशर। उस प्रेशर की वजह से ये आंख सिक्वीज हो सकती है, सिक्वीज। सिक्वीज होने से इसकी शेप डिस्टर्ब हो जाती है, शेप डिस्टर्ब होने से इसमें आंख के डिफेक्ट हो जाते हैं, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। अंदर से ये लिक्विड अपना प्रॉपर दबाव बना के रखे तो अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर को कंपनसेट करके रखता है और आंख बिल्कुल स्फेरिकल रहती है। जब तक आंख बिल्कुल स्फेरिकल रहेगी तब तक आंख के अंदर आई डिफेक्ट नहीं आते, दोनों जो दो मेन आई डिफेक्ट हैं। तो विट्रस ह्यूमर का काम है टू प्रोवाइड द इंटरनल प्रेशर इन ऑर्डर टू कीप द शेप ऑफ द आई एज स्फेरिकल। समझ आया बेटे? और एक बात, यस सर, आंख के कौन कौन से दो मेन डिफेक्ट होते हैं बता सकते हो? मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। कौन बच्चा मेरे को बताएगा मायोपिया में क्या होता है? सर, इट इज नोन एज नियर साइटेडनेस एंड शॉर्ट साइटेडनेस। और इसमें होता क्या है बेटे, क्या नुकसान आ जाता है आंख में? सर, दूर का नहीं दिखता। सर, पर्सन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन तो नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बिल्कुल सही बताया, लेकिन इस अच्छे बच्चे ने एक ऐसी मिस्टेक करी जो मैं पेपरों में चेक कर करके थक गया। बेटे बच्चों ने सही नहीं करी, वही बच्चा, इस बच्चे ने भी वही मिस्टेक बोली। ये बच्चा कहता है सर मायोपिया में नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं और फार ऑब्जेक्ट्स दिखते ही नहीं। गलत, नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं और फार ऑब्जेक्ट्स धुंधले दिखते हैं, ब्लर्ड। ना कि ऐसा नहीं लिखना कि दिखते ही नहीं, फार ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड दिखते हैं, धुंधले, नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं, तब इसको मायोपिया बोलते हैं। तो अगर आप लिखते हो फार ऑब्जेक्ट से दिखते नहीं, इसका मतलब दूर की चीजों के लिए वो अंधा हो गया बंदा, ऐसा नहीं है। ओके, और हाइपरमेट्रोपिया में बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। कौन बच्चा बताएगा? अगर आंख की शेप ऐसे हो जाए, ऐसे, तो ये हाइपरमेट्रोपिया से लिंक्ड है या मायोपिया से? इधर लेंस है, ऐसे इलोंगेटेड हो जाए। मायोपिया। शाबाश, तो ओवल शेप इस तरह से लेंथ वाइज ओवल शेप हो तो मायोपिया होता है, और इसमें जो बीम ऑफ लाइट है वो यहीं पर फोकस हो जाती है रेटिना से पहले ही, रेटिना अभी पहुंचे ही नहीं है। ओके, और अगर इस तरह से इलोंगेट हो जाए, तो नजदीक की नजर कमजोर हो जाती है, उसमें आंख आंख के पीछे जाकर फोकस होती है लाइट। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला लेंस कौन सा डिफेक्ट को दूर करता है? मायोपिया। ये वाला लेंस अगर हम चश्मे में लगा देंगे, स्पेक्टेकल्स में लगा देंगे, तो मायोपिया की रेमेडी आएगी, और अगर ये वाला लेंस लगाएंगे तो वो हाइपरमेट्रोपिया की रेमेडी आ जाएगी। रेमेडी मींस इलाज। उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं जिसमें ये दोनों डिफेक्ट एक ही इंसान को हो जाते हैं? दोनों डिफेक्ट एक ही इंसान को, बताओ। उसको दूर की चीज भी धुंधली दिखती है, नजदीक की चीज भी धुंधली दिखती है, उस आई डिफेक्ट का नाम क्या है? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया बेटे, प्रेस बायोपिया। उस बंदे के जो सिलियरी मसल्स होते हैं, सिलियरी मसल्स क्या करते हैं? सिलियरी मसल्स आंख के लेंस को शेप देते हैं। अगर ये साइडों से ऐसे दबा दें उसको, तो लेंस इस शेप में हो जाता है, सेंटर से मोटा हो जाता है, तब वो
सिलियरी मसल आंख की मदद करते हैं नजदीक की चीजों को देखने के लिए। अगर सिलियरी मसल ये आंख के लेंस को ऐसे खींच दें तब ये लेंस इस तरह से लंबू बन जाता है, पैटर से पतला। ये लेंस दूर की चीज को देखने के काम आता है, और जब दूर की चीज को देखने के काम आता है और वही लेंस पास की चीजों को देखने के काम आता है, तो सिलियर मसल की मदद से हम इस लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करके एट ए टाइम एक को क्लियरली देख सकते हैं। मन आई दोनों चीजों को इकट्ठे क्लियर नहीं देख सकती कि दूर की चीज भी क्लियर दिखे और पास की भी। अगर मेरे को हाथ की रेखाएं क्लियर दिख रही हैं तो सामने वो पीछे वृक्ष है जो बैकग्राउंड में, वो धुंधला दिखेगा। अगर मैं वृक्ष पे फोकस करूंगा, पेड़ पे, वो क्लियर दिखेगा, तो हाथों की रेखाएं धुंधली दिखेंगी। एट ए टाइम एक चीज पे फोकस कर सकता है आई लेंस, और सिलियरी मसल से आई लेंस को ये प्रॉपर्टी मिलनी कि वो जरूरत के वक्त एक चीज पे फोकस कर सके। उसकी इस खूबी का नाम क्या होता है, उसकी इस ह्यूमन आई की इस खूबी का क्या नाम होता है कि एट ए टाइम वो जरूरत के वक्त दूर की चीज पर फोकस कर सके या पास की, उसका नाम क्या बेटे? अकोमोडेशन। अकोमोडेशन नोट कर लो। चलो, बहुत हो गया आपके सिलेबस के मुताबिक। अब हम पढ़ते हैं असाइनमेंट, आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर, आई थिंक 20 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, एम आई राइट सर? कहाँ तक हो चुके हैं बेटे? 11 तक। अच्छा, 11 ही हुए हैं बस। ओके, चलो आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन। हाँ, एक चीज मेरे को छोटी सी और बोली गई है कि आपको क्लॉक के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, क्लॉक के, वो एक बार ध्यान से सुन लो जरा उसका थ्योरी। क्लॉक के क्वेश्चंस में सुनो बेटे, एक चीज मेरे को बताओ, अगर ये क्लॉक है, योर अटेंशन, यहाँ मिरर है, यहाँ उसका इमेज है, अटेंशन, क्लॉक के अंदर अगर 3 बजे हैं, 3 एक्चुअल क्लॉक में, क्लॉक का एक्चुअल क्लॉक और ये उसका इमेज है मिरर के अंदर, बच्चा बताएगा उसमें कितने बजेंगे? 9 बजेंगे, 9। इधर 9 बजेंगे, उधर 3 बजेंगे, दोनों का टोटल करके देख, 3 + 9 = 12। एक चीज और बताओ, अगर इधर 6 बजे हो, उधर कितने बजेंगे? 12। नहीं बेटे, उधर भी 6 बजेंगे ना, 6 + 6 = 12। हमेशा याद रखना है, जितना क्लॉक के अंदर टाइम होता है और उसके इमेज में जितना टाइम होता है, उनका टोटल हमेशा 12 होता है। याद रखना, टाइम इन द क्लॉक, नोट कर लो, प्लस टाइम इन द इमेज क्लॉक, इमेज क्लॉक इज ऑलवेज इक्वल टू 12, इज ऑलवेज इक्वल टू 12। इस फॉर्मूले से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन क्लॉक वाला कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। अब हम देख, और एक बात याद रखनी है, इसके अंदर जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं उसमें इस चीज का बेनिफिट लेना पड़ता है कि 1 hour = 60 minutes, क्या रखना है आपने, मतलब ये कि अगर एक्चुअल क्लॉक में 7:30 होंगे, यानी 7:30, तो जो इमेज वाला क्लॉक होएगा उसमें कितने होएंगे बेटे? 4.5। देखो, 7 और 4 को ऐड करा तो 11 hours तो यही हो गए, और आधा आधा घंटा और आधा घंटा ऐड करा तो 1 घंटा ये हो गया, 12 बज गए पूरे। ओके, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11 बेटे, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। बेटा मेरे को ये बच्चा चाहिए क्लास में, 8A में एंजल, 8A में एंजल कौन है? 8A में एंजल माइक पे आ जाए और 11th क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के दिखाए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज रीड द स्टेटमेंट ऑफ 11th क्वेश्चन।
द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज नोन एज. शाबाश. तो बेटे प्रिज्म के अंदर योर अटेंशन, प्रिज्म के अंदर अगर ये इंसिडेंट लाइट था और नेचुरली ये इधर को जाएगा, लेकिन इमर्जेंट रे इसको इधर भेजती है, ये इमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन. कोई बच्चा बताएगा इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन. बिल्कुल, क्योंकि इस प्रिज्म ने जाती हुई इंसिडेंट रे को इतने एंगल से मोड़ दिया. मोड़ने मोड़ने का वर्ब क्या होता है? डेविएट. डेविएट से नाउन क्या बन गया? डेविएशन. डेविएशन. तो इस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं. बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने, शाबाश देनी पड़ेगी इस बच्चे को. नेक्स्ट 12th क्वेश्चन. द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्शन इज नॉट पॉसिबल इन बोलो. बोथ बी एंड सी. शाबाश. जो डिस्पर्शन का फिनोमिना होता है वो प्रिज्म में ही होता है. ग्लास स्लैब में डिस्पर्शन नहीं हो पाता, मिरर में डिस्पर्शन नहीं हो पाता. तो इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन, बिल्कुल सही. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटे? 11th का डी ऑप्शन और 12th का भी डी ऑप्शन. लेट्स मूव टू द 13th क्वेश्चन. द डिस्पर्शन ऑफ द लाइट इन द प्रिज्म इज ड्यू टू द डिफरेंट डैश ऑफ द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स. देखो बेटे ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में आप तुक्का लगाई जा रहे हो, आपको अच्छी तरह से इसका पता नहीं है. तो मैं इसको लॉजिक से समझाता हूँ, पहले समझाता हूँ बाद में आंसर दूंगा. आप अटेंशन, योर अटेंशन बेटे, ये कमजोर है आपका, ध्यान से सुनो. हमारे पास ये जो 7 कलर्स होते हैं ना बेटे, विबग्योर, इसमें इधर को जाते हुए वेवलेंथ बढ़ती है, वेवलेंथ इंक्रीजेस. और उसका मेमोरी टूल सुनो, मेमोरी टूल देखो, वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, और रेड कलर में पहले ही लैम्डा छुपा हुआ है देखो. तो रेड कलर की तरफ जाते हुए वेवलेंथ बढ़ती है, पहली बात. दूसरी बात, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था काची, उसने ये बताया कि किसी प्रिज्म की जो प्रिज्म का जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन वो जो अभी पढ़ गया है, वो म्यू पे डिपेंड होता है. म्यू म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? लाइट को मोड़ने की प्रक्रिया का गुण कितना है. इस साइंटिस्ट ने एक फार्मूला बताया, वो कहता है जो म्यू होता है ना, म्यू ये उतना ही ज्यादा होता है जितना लैम्डा कम हो, ये म्यू उतना ही ज्यादा होता है जितना लैम्डा कम हो. जितना म्यू ज्यादा होता है उतनी रिफ्रैक्शन ज्यादा होती है, उतना डेल्टा भी ज्यादा होता है. ओके, इसका मतलब रेड कलर में देखो, अब रेड कलर में लैम्डा सबसे ज्यादा है मैक्सिमम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये उल्टा होता है म्यू से. देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का मिनिमम होएगा, रेड कलर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होएगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी रेड कलर का मिनिमम होगा. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्रिज्म के अंदर लाइट फेंकेंगे व्हाइट कलर की, तो व्हाइट कलर की लाइट है तो उसमें सबसे छोटा एंगल रेड का होगा, तो डेविएशन वाला. तो यहाँ पर रेड और सबसे जो आएगा प्योर, तो इसका मतलब हो गया सभी कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग होती है. वेवलेंथ पे म्यू डिपेंड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू पे डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन. तो इसका आंसर आपने लिखना है एवरी डिफरेंट कलर हैज डिफरेंट वेवलेंथ. शाबाश, लिख लो इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. एक बेटे गिलास में अगर पेंसिल डाल देते हैं तो वो हमें टूटी हुई क्यों दिखती है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन. बिल्कुल सही. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 14.
क्वेश्चन नंबर 14 में बता रहा है कि अगर एक कंटेनर के अंदर हमने यहाँ कोई भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड डाला और उसके अंदर हमने तो सीधी पेंसिल डाली थी, लेकिन जब हम उस पेंसिल को देखते हैं तो वो पेंसिल हमें थोड़ी सी टूटी हुई दिखती है, क्यों? क्योंकि इसका आंसर है रिफ्रैक्शन प्रोसेस, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। When a sunlight passes through the glass prism, it gets separated into 7 constituent colors. This rainbow formation. बेटे याद रखना, अगर उसने प्रिज्म बोल दिया होता, प्रिज्म, और उसपे व्हाइट लाइट फेंकता तो 7 कलरों का जो पैटर्न बनता, तब आपने इसको रेनबो नहीं बोलना, फिर तब आपने इसको स्पेक्ट्रम बोलना है, स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर सन से व्हाइट लाइट आ रही है, सन से व्हाइट लाइट, और वो बारिश की बूंदों से, रेन ड्रॉप से निकलने के बाद, रेन ड्रॉप्स में से निकलने के बाद 7 कलर्स में टूट जाए, 7 कलर्स में, राइट, तब उस पैटर्न को आपने रेनबो बोलना है, रेनबो, जिसको आप हिंदी में कई बार, पुराने लोग उसको सतरंगी टींग बोलते थे पंजाब में, तो आप इसको रेनबो बोलते हो, रेनबो। ओके, कब? व्हाइट लाइट सन से आनी चाहिए, रेन ड्रॉपलेट्स में से निकल के डिस्पर्शन प्रोसेस बनेगी, रेनबो का स्पेक्ट्रम बनेगा। लेकिन अगर व्हाइट लाइट प्रिज्म में से निकलेगी, 7 कलर्स में टूटेगी, तो स्क्रीन पे बने हुए इस 7 कलर के पैटर्न को रेनबो नहीं बोलना, फिर आपने स्पेक्ट्रम बोलना है, स्पेक्ट्रम। वॉट इट? और याद रखना, इसके स्पेलिंग्स आपने नीचे से ऊपर को लिखने हैं, विबग्योर, रेड ऊपर को आएगा ऐसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या ऑप्शन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इमेज फिनोमिना इन डेजर्ट्स where distant objects appear closer and displaced is a result of refraction. बेटे refraction, refraction, इसका meaning ये है कि मरुस्थल होते हैं जो रेतीले इलाके होते हैं, और रेतीले इलाकों में भी दिन के वक्त जब sunlight हो, तब हमें दूर की चीजें कुछ अलग इल्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर हैं, वहां पर हैं, और कभी कभी तो पानी का भी इल्यूजन हो जाता है कि वो वहां पर तालाब है। इसको मिराज इफेक्ट बोलते हैं, वैसे इफेक्ट, मिराज इफेक्ट जो होता है उसका जब कारण देखते हैं तो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में अजर्शन बताओ सही है या नहीं, रीजन बताओ, जल्दी बताओ। इट इज पास थ्रू द ग्लास स्लैब, इट गेट्स सेपरेटेड इनटू 7 कलर्स, सॉरी ग्लास में नहीं होता, रॉन्ग, अजर्शन इज रॉन्ग, रीजन बताओ बेटे, दिस सेपरेशन इज ड्यू टू द फैक्ट, ये भी ट्रू है, आप इसका आंसर स्पीड से भी दे सकते हो, ठीक है, स्पीड से भी दे सकते हो और वेवलेंथ से भी दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 अजर्शन रीजन, अजर्शन में बोलता है व्हेन लाइट पासिस थ्रू द एयर फ्रॉम एयर टू ग्लास प्रिज्म इट बेंड्स टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म, ट्रू। अभी हमने ये पढ़ा था कि लेंस क्यों कन्वर्ज करते हैं और डाइवर्ज करते हैं, टीचर ने उसमें यही बताया था। तो अगर रे ऑफ लाइट प्रिज्म में से जाए तो प्रिज्म के बेस की तरफ झुक जाती है, करेक्ट, रीजन, डिपेंडिंग ऑफ लाइट इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स इन द डेंसर मीडियम, बिल्कुल सही, जब कोई लाइट डेंसर मीडियम में से गुजरे, जैसे हवा में से कांच में गई, तो उसकी स्पीड गिर जाएगी, कम हो जाएगी, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 19 अजर्शन रीजन, ट्रू, रेनबो अजर्शन इज ट्रू,
rainbows are formed when sunlight is dispersed by water droplets in the atmosphere. Correct. Reason, the different colors of rainbow result from the dispersion of sunlight by water droplets, which causes the various colors to be refracted by different amounts. Reason is also correct. Yes. Reason is also correct, bete. 20th question. 20th question. हाँ जी बेटे बोलो. According to the reason, sir, यहाँ refraction नहीं होना चाहिए था, refracted. नहीं नहीं बेटे देखो उसने क्या बोला. Different colors of rainbow result from the dispersion of sunlight droplets. जब उसने different colors बोल दिया ना बच्चे, तो different colors का lambda अलग अलग होता है या नहीं होता? अभी समझाया था काची फार्मूले से. Yes या no? Yes. हाँ बस उसी से आपने जवाब दे देना. 20th, एक दो क्वेश्चन और करते हैं बेटे प्लीज. आप बताओगे कैन ए स्पेक्ट्रम फॉर्म इफ रेड लाइट फॉल्स ऑन द प्रिज्म? आपको सिर्फ और सिर्फ सफेद कलर की लाइट फेंकनी पड़ेगी तब जाके होएगा, और किसी भी कलर से डिस्पर्शन नहीं होएगा, स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा, रेनबो नहीं बनेगा. ओके 21st क्वेश्चन में आंख का फिगर बता रखा है. हाँ जी यस बेटे, यस बेटे थोड़ा सा और करते हैं फिर मैं छोड़ दूंगा. 21st क्वेश्चन में ए पोर्शन को क्या बोलेंगे? ए पोर्शन को बेटे, ए पोर्शन को क्या बोलते हैं? नहीं बेटे, ए पोर्शन है सिलियरी मसल्स, मैं सारा बता देता हूँ. बी पोर्शन को क्या बोलते हैं? सी को क्या बोलेंगे? लेंस. ना सी को बोलेंगे हम प्यूपिल, प्यूपिल हो गया ना. ई को बोलेंगे क्रिस्टलाइन लेंस. पी को बोलेंगे, डी को बोलेंगे आयरिस. एफ को बोलेंगे रेटिना. जी को बोलेंगे, जी को बोलेंगे हम ऑप्टिक, ऑप्टिक नर्व. क्वेश्चन नंबर 22, द फंक्शन ऑफ द कॉर्निया इज, कॉर्निया का क्या काम है? हाँ कॉर्निया का काम होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करता है, उसके बाद लेंस उसको फिर फोकस करता है. 23rd क्वेश्चन, For a person suffering from hypermetropia, doctor will advise him to see. कौन सा लेंस यूज करेगा? हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करेगा. कॉन्वेक्स लेंस देखो, इधर देखो थोड़ी सी, थोड़ा जैसे आंख है ना, हाइपरमेट्रोपिया में अगर चश्मा नहीं लगाएंगे तो रे ऑफ लाइट ऐसे हो जाती है बेटे, ये ऐसे हो जाती है रे ऑफ लाइट. ठीक है, टाइम इज ओवर. हाँ बस लास्ट क्वेश्चन करते हैं. और अगर मैंने इस आंख के ऊपर लेंस लगा दिया स्पेक्टिकल्स में, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, थोड़ा सा ये मोड़ देगा लेंस और थोड़ा सा वो मोड़ देगा, तो जो आंख के पीछे फोकस हो रहा था वो रेटिना के ऊपर आ जाएगा. तो ये लेंस बाई कॉन्वेक्स लेंस ह्यूमन आई लेंस की मदद करता है फोकसिंग में. ओके थोड़ा सा उसने मोड़ दिया और थोड़ा सा आंख के लेंस ने मोड़ दिया, राइट? तो इस तरह से हमारे पास ये क्या रेमेडी देती है, रेमेडी ऑफ हाइपरमेट्रोपिया. ओके बेटे, तो मैं 21st क्वेश्चन करवा दिया सर, ये मैं आपको 24th क्वेश्चन से आपने खुद करके आने हैं और मैं अगली बार आपसे कराऊंगा 24th क्वेश्चन ऑनवर्ड. यस बेटे. सर 22 का आंसर क्या है? 22 का बेटे, 22 का आंसर देखो, 22 में है ना फंक्शन ऑफ द कॉर्निया डैश रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन लिखोगे आप, अगर आपका बच्चा कहता है सर फोकसिंग करें, फोकसिंग का जब आंसर आ जाए तो लेंस होना चाहिए. शार्प कौन फोकस करता है? लेंस करता है. ओके और अंदर को कौन मोड़ देता है मैक्सिमम? कॉर्निया डिफ्रैक्शन. एक्सक्यूज मी सर आजकल. हाँ जी बेटे. एक्सक्यूज मी सर. यस
सर प्रेस बायोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है? बाईफोकल, फोकल होता है ऐसे वाला, बाईफोकल बेटे, उसमें जो स्पेक्टिकल होते हैं ना, चश्मा जो होता है ना उसका, उसमें चश्मे में ऊपर यहाँ पर एक लाइन सी होती है लाइन, और ऊपर ऊपर वाला होता है कॉनकेव और नीचे वाला होता है कॉन्वेक्स। बाईफोकल। तो अगली बार मिलते हैं, आज का लेक्चर अगर समझ आया प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स, वेव योर बोथ हैंड्स। थैंक यू सर। Thank you.